मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी व उनके तीन साथी मौलानाओं और ड्राइवर को सुरक्षा एजेंसी ने पूछताछ के लिए उठा लिया है। कलीम की गतिविधियां संदिग्ध होने का शक है। देर रात मौलाना के समर्थन में उलमाओं समेत मुस्लिम समुदाय के लोगों की भीड़ सिलाड़ी गेट थाने पर पहुंच गई और हंगामा करने लगी। मुजफ्फरनगर के फुलंत गांव निवासी मौलाना कलीम सिद्दीकी 64 वर्षीय मंगलवार की शाम 7 बजे साथी मौलानाओं के साथ सिलाड़ी गेट के हुमायूं नगर मस्जिद माशा अल्लाह के इमाम शारिक के आवास पर एक कार्यक्रम में शरीक होने पहुंचे थे और रात 9 बजे ईशा की नमाज के बाद अपने साथियों के साथ गाड़ी से फुलंत के लिए रवाना हो गए। इस दौरान परिजनों ने उन्हें कॉल की लेकिन मोबाइल बंद मिला। परिजनों ने जानकारी मेरठ के इमाम शारिक को दी। परिजनों और परिचितों ने तलाश शुरू की लेकिन जानकारी नहीं मिली। इसके बाद लोगों की भीड़ सिलाड़ी गेट थाने पर जुट गई और देर रात तक हंगामा चलता रहा। हालांकि पुलिस ने उन्हें उठाने की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। संदिग्ध गतिविधियों के चलते इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी सुरक्षा एजेंसी के निशाने पर थे। मौलाना के मेरठ आने की जानकारी एजेंसी को पहले से ही थी। यही वजह है कि एजेंसी ने वापस लौटते दौरान उन्हें पकड़ लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। फुलंत के मौलाना कलीम सिद्दीकी का इस्लामिक विद्वानों में बड़ा नाम है। वह फुलंत के मदरसा जामिया इमाम वलीउल्लाह इस्लामिया के निदेशक भी हैं। 7 सितंबर को मुंबई में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के द्वारा आयोजित राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र सर्वोपरि कार्यक्रम में भी मौलाना कलीम शामिल हुए थे। आज मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब यहां पर दावत पर आए हुए थे और दावत में से जाने के बाद 4 लोग एक ब्लेजर गाड़ी में सवार हैं। लगभग जब 9 बजे के आसपास उनका फ़ोन ट्राई किया गया तो 4 नंबर बंद है। उसकी सूचना सभी जिम्मेदारों को मिली तो हम सब लोग थाने पर आए हैं। उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दे दी गई है और मौलाना शारिक साहब की ओर से तहरीर लिख के दे दी गई है और हमें पुलिस प्रशासन पे पूरा एतमाद है कि जल्द से जल्द मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को सेक्रेटरी बरामद कर देंगे। वो जो फ्लक से ही आए थे और यहाँ पे मौलाना शारिक साहब के यहाँ पर दावत में आए थे, पर्सनल प्रोग्राम था और दावत से फारिग होने के बाद वापस अपना फ्लैट जा रहे थे। वो कार में कौन कौन लोग? 4 लोग थे, अजीम साहब थे और 2-3 लोग उसमें साथ में डॉक्टर आतिफ, जी हाँ ड्राइवर साहब थे और मौलाना साहब हैं, 4 लोग जो उनके साथ में थे। उनको वो गायब है, उनको उठा लिया गया है। उनके भाई आए हैं डॉक्टर सलीम साहब, सलीम सिद्दीकी साहब और सारे शहर के ये मदरसों के महत्मी में उलमा है, शहर काजी है। अभी ये सही जानकारी नहीं हो पाई है। हमने अपनी जानकारी जो बात थी वो सारे वफद ने उनके सामने रख दी है। क्या अपहरण की आशंका है, क्या मामला है? इस बारे में बात हुई है, आश्वस्त किया गया है हम लोगों को, अपहरण नहीं है और कोई नाजेबस हरकत उनके साथ में नहीं होगी। वो महफूज है, जहाँ भी है, जो कुछ पूछगछ हो रही है उसके बाद में बाइज्जत उनको भेज दिया। मुस्लिम समुदाय के लिए क्या संदेश देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी मामला टूर पर है? ये मामला टूर पर हम सब लोगों की अपील ये है कि एहतजाज या जो बात हमें करनी थी, जो शिकायत दर्ज करानी थी, वो एडमिनिस्ट्रेशन को हमने करा दी। अभी इस मामले में जो बाकी और कोई गाइडलाइन होगी वो शहर के उलमा और इलाके के प्रधान साहब ने क्या आश्वासन दिया है? वो कहा कि कोई जाति नहीं।